हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद प्रिंसेस। आज हम बनाएंगे आलू टमाटर और मटर की ग्रेवी वाली सब्जी, जो कि खाने में एकदम रेस्टोरेंट की जैसी लगेगी। और इसको बनाना बहुत ही आसान है, कुछ सीक्रेट मसालों से ये झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 3 बड़े साइज की आलू को पहले छील कर धो लिया था, इसके बाद इसे इतने बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। और हमने 3 टमाटर लिया है और 1 कटोरी फ्रेश मटर ली है। हमने 1 प्याज ली है, कुछ कलियां लहसुन की ली है और 1 टुकड़ा अदरक का लिया है। अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर अच्छे से इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। हमने गैस पर पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। ऑयल अब गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कटे हुए आलू ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लें। बचे हुए तेल में हम दालचीनी 1 टुकड़ा, 2 लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1 तेज पत्ता ऐड करेंगे और इसे थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसमें कटी हुई प्याज ऐड करेंगे और इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट जो हमने बनाया था उसको ऐड करेंगे। और इसका कच्चापन दूर होने तक हम इसे भून लेंगे। हमारे अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट अब भुना चुका है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हम 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इससे हमारे मसाले अच्छे से भून जाए। मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब हमने जो टमाटर लिए थे उसका हमने अच्छे से पेस्ट बना लिया है। अब उसे हम इसमें ऐड करेंगे और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। टमाटर भी अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें हमने जो मटर ली थी उसको हम इसमें ऐड करेंगे और इसे भी हम थोड़ा देर भून लेंगे। अब हम इसमें फ्राई किए हुए आलू ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे मसालों का फ्लेवर आलू में अच्छे से आ जाए। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं। हमें थोड़ा ज्यादा ग्रेवी वाली सब्जी बनानी थी। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। सब्जी हमारी बन चुकी है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे
और कटी हुई हरी धनिया ऐड करेंगे। कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी? अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप भी इस रेसिपी को एक बार बनाना ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।